अगस्त 2008 को रिलीज हुई फिल्म सिंग इज किंग अक्षय कुमार के गोल्डन पीरियड की फिल्म थी। फिल्म के डायरेक्टर थे अनीस बज्मी और उन्होंने ही सुरेश नायर के साथ मिलकर इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा था। फिल्म का बजट था 30 करोड़। हालांकि कुछ वेबसाइट पर दावा किया जाता है कि फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था। देश भर में 1400 स्क्रीन पर रिलीज की गई इस फिल्म ने इंडिया में 94 करोड़ रुपए और ओवरसीज में 28 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ लीड रोल में थे। इनके अलावा ओम पुरी, रणवीर शौरी, जावेद जाफरी, सोनू सूद, किरण खेर, सुधांशु पांडे और यशपाल शर्मा जैसे एक्टर्स भी थे। एक्शन कॉमेडी जोनरा की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। जी, मेरा नाम है निक्षम मौर्य और आप सुन रहे हैं स्टारडम क्रॉनिकल्स विद योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। आज आपको सिंग इज किंग की मेकिंग से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां बताएंगे। अगर आपने सिंग इज किंग देखी है तो उस फिल्म से जुड़ी ये शानदार कहानियां आपको भी जरूर पसंद आने वाली। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। पहली कहानी। फिल्म से जुड़ी पहली और सबसे रोचक कहानी है इसके साथ जुड़ा 8 नंबर। फिल्म 8 अगस्त सन 2008 को रिलीज हुई थी, यानी तारीख भी 8, महीना भी 8वां और साल 2008। दूसरी कहानी, साल 1989 में जैकी चैन की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मिरेकल्स। सिंग इज किंग इसी फिल्म की रीमेक थी। फिल्म का प्लॉट 80% तक जैकी चैन के मिरेकल से प्रेरित। तीसरी कहानी। हमारे यहाँ फिल्मों को छुट्टियों के दिनों में रिलीज करने की परंपरा है, जैसे ईद, दिवाली और क्रिसमस। लेकिन सिंग इज किंग उस समय पर रिलीज हुई थी जब किसी तरह का कोई हॉलिडे सीजन नहीं था। इस फिल्म ने पहले हफ्ते में ही रिकॉर्ड तोड़ 40 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। इस तरह सिंग इज किंग शाहरुख की ओम शांति ओम का पहले हफ्ते की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दी, जो कि 36 करोड़ रुपए का था। चौथी कहानी। फिल्म में सोनू सूद लखन उर्फ लकी सिंह के किरदार में नजर आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले इस रोल के लिए डीनो मोरिया को प्रोड्यूसर्स लेना चाहते थे, लेकिन किन्हीं वजहों से डीनो संग बात नहीं बन पाई। इसी रोल के लिए सुनील शेट्टी को भी अप्रोच किया गया था। सुनील शेट्टी ने तो फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन जब मेकर्स ने उनके रोल को काट कर छोटा कर दिया, सुनील ने फिल्म छोड़ दी। इतना ही नहीं, पंजाबी सिंगर हरभजन मान को भी ये रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने भी इसके करने से मना कर दिया था। पांचवी कहानी। ओरिजिनली इस फिल्म का नाम सिंग इज किंग था, लेकिन बाद में एक न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह पर प्रोड्यूसर्स विपुल शाह ने इस फिल्म के टाइटल के किंग में एक एन एक्स्ट्रा जोड़ा था। छठी कहानी। फिल्म में अक्षय कुमार एक सिख बने थे, लेकिन फिल्म में उनका गेटअप कुछ ऐसा था जिसमें वो पगड़ी तो पहनते हैं मगर उनकी दाढ़ी ट्रिम की गई है। चूंकि सिख समाज में पुरुषों को अपनी दाढ़ी ट्रिम करना मना होता है, तो अक्षय के इस गेटअप पर सिख समाज के लोगों ने कड़ा ऐतराज जताया था। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चिट्ठी लिखकर इस फिल्म को बैन करने की मांग की थी। सातवीं कहानी। सिंग इज किंग कैटरीना कैफ की बैक टू बैक छठी सक्सेसफुल फिल्म थी। इस फिल्म से पहले कैटरीना ने नमस्ते लंदन और वेलकम में भी काम किया था, जो कि दोनों ही सुपरहिट रही थी और दोनों ही फिल्मों में कैटरीना के अपोजिट अक्षय कुमार ही थे। इन फिल्मों के अलावा कैटरीना की रेस, पार्टनर और अपने भी सफल रही थी। आठवीं कहानी। डायरेक्टर अनीस बज्मी की भी कैटरीना और अक्षय के साथ ये दूसरी ही फिल्म थी। इससे पहले ये तिगड़ी वेलकम में साथ नजर आई थी। इत्तेफाक से इस तिगड़ी की ये दोनों फिल्में जबरदस्त हिट रही थी। नौवीं कहानी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंग इज किंग एकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें कैटरीना कैफ ने सोनू सूद के साथ काम किया है। इससे पहले और इसके बाद कैटरीना ने सोनू सूद के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया।
जबकि इसी फिल्म में अक्षय कुमार ने पहली दफा रणवीर शौरी और किरण खेर के साथ काम किया था। दसवीं कहानी सिंह इज किंग पहली ऐसी फिल्म है जिसमें प्रोड्यूसर विपुल शाह और अक्षय कुमार ने बिना अमिताभ बच्चन के काम किया है, वरना इस फिल्म से पहले विपुल और अक्षय ने 2002 में आई आंखें और 2005 में आई वक्त में साथ काम किया और इत्तेफाक से दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन भी थे। ग्यारहवीं कहानी सिंह इज किंग साल 2008 की टॉप 5 सक्सेसफुल फिल्मों में से एक थी और कहा जाता है कि अक्षय के गोल्डन पीरियड की आखिरी सक्सेसफुल फिल्म भी यही थी, क्योंकि इसके बाद अक्षय कुमार की बैक टू बैक 6 बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई थीं। फिर साल 2012 में ओ माय गॉड से अक्षय को दोबारा सफलता का स्वाद चखने को मिला था। बारहवीं कहानी सिंह इज किंग में अमेरिकी रैपर स्नूप डॉग को भी एक सॉन्ग में फीचर किया गया था। स्नूप डॉग ने उस सॉन्ग में रैप भी किया था। फिल्म से उनके जुड़ने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल अक्षय कुमार चाहते थे कि इस फिल्म में कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी होना चाहिए। अक्षय कुमार ने ही पॉपुलर ब्रिटिश बैंड आरडीबी से इस फिल्म का टाइटल ट्रैक बनाने के लिए मनाया था। फिर जब आरडीबी ने अक्षय को सलाह दी कि रैपर स्नूप डॉग को भी फिल्म से जोड़ना चाहिए, तो अक्षय के कहने पर प्रोड्यूसर विपुल शाह अमेरिका जाकर स्नूप डॉग से मिले। और चूंकि स्नूप डॉग इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे कि भारत सहित पूरे एशिया में उनके लाखों फैंस हैं, तो वो तुरंत इसके लिए राजी भी हो गए। आखिरी कहानी साल 2009 में मशहूर पंजाबी सिंगर बब्बू मान ने एक एल्बम रिलीज किया था जिसका टाइटल था सिंग इज बेटर देन किंग। इस एल्बम के टाइटल पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन बब्बू मान ने बाद में साफ किया कि उनके इस एल्बम का अक्षय की फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये था किस्सा सिंग इज किंग का। ऐसे ही अन्य किस्सों के लिए सुनते रहिए स्टारडम क्रॉनिकल्स विथ योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। ऐसे किस्से यहाँ आते रहते हैं, हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे पॉडकास्ट को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। धन्यवाद।